सर नमस्ते सर जी। मेरे पास बालाजी एमाइंस का 150 शेयर है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, अभी उसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। 1 ईयर के अभी कांस्टेंट लेवल में ये है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। 3500 पे लिया आपने? 3500 पे? 3500। अरे दादा बहुत ऊपर ले लेना, टॉप बनाया था जब इसने। रुकिए अच्छा पूछते हैं, गावा सर बालाजी अमाइंस 3500 रुपये पे इन्होंने लिया है, अभी चल रहा है 2172, बहुत ऊपर ले लिया इन्होंने, अब तो हो रहा है इनको नुकसान, कैसे क्या करें, कितने समय रुकना पड़ेगा? वो उसके बाद 4800 में एक ब्लॉग आउट हुआ था, जैसे ऊपर जाएगा लगता है वो और ही ऊपर जाएगा, उड़ान भरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा साइडवेज मूव पॉसिबल है, थोड़ा लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। ट्रेड करा है 2172, 1800 जो रिसेंट लो देखा हमने, शायद वो संभल जाता, वो संभल जाता तो अपू ऑन है, 3000 में अटक सकता है, उसके आस पास जा सकता है, मुझे लगता है थोड़ा सताएगा। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 1800 का और होल्ड कीजिए, हो सकता है 3000 के आसपास चला जाए, वहां पर फ्रेश लुक दीजिएगा। बालाजी एमाइंस तो इंतजार करिए भाई विनोद जी, 3000 तक जब जाए तो एक बार दोबारा इस पर चर्चा कीजिएगा, अभी तो ये एकदम नीचे की तरफ बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल है शिव कुमार का, अंगुल ओडिशा से। शिव कुमार जी बताइए। सर मेरा 580 नंबर स्टेरल टेक्नोलॉजी का शेयर है, वो मैं एवरेज रेट 2007 में लिया था 207 में, अभी 2 साल से 150 तक आके वो रुका था, अभी 160 चल रहा है, अभी क्या होल्ड करे क्या बेच के निकले सर? गावा जी क्या किया जाए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसमें साइडवेज चल रहा है करीब 1.5-2 साल से, 1.5 साल से करीब, यहाँ से 160 पे चल रहा है, 150 में सपोर्ट है, यहाँ से अगर आपको मिलता है तो 175-200 तक जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, फिलहाल होल्ड कीजिए और क्या, चॉइस नहीं है, साइडवेज जोन पर फिलहाल होल्ड करिए सर। कोई इस ग्रुप के, अभी आपने कहानी सुनी होगी, हर्षदा जी डिटेल में बता रही थी कि वेदांता में ही 5 मर्जर हो रहे हैं, डिमर्जर हो रहे हैं, अलग अलग कंपनियां बनेंगी, वेट करिए बस, और कोई चॉइस है नहीं भी इसमें बहुत ज्यादा। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।